नमस्कार, प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां गैंगस्टर और चोरों ने अपनी वारदातों से दहशत मचा रखी है। आए दिन इनके द्वारा कोई ना कोई घटना सामने आती दिखाई देती है। ताज़ा मामला बटाला के मड़ियावाल का सामने आया है, जिसमें चोर एक गैस एजेंसी के गोदाम को अपना निशाना बनाकर सिर्फ 13 मिनटों में ही 4,71,000 ले उड़े। यह चोरी की घटना वहाँ लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंद्र गैस एजेंसी के पीड़ित मालिक अक्षय महाजन ने बताया कि उसकी इंद्र गैस एजेंसी के गोदाम मड़ियावाल में है, जिसकी निगरानी के लिए एक चौकीदार को भी लगा रखा था। बीती देर शाम वह गोदाम से घर चले गए और चौकीदार ने गोदाम के सारे ताले लगा दिए। सुबह चौकीदार ने फ़ोन करके बताया कि रात के समय जब वह सो रहा था तो पीछे चोरों ने गोदाम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। CCTV कैमरा चेक करने पर पता लगा कि करीब रात 1:30 बजे दो अज्ञात व्यक्ति गोदाम में दीवार फांदकर दाखिल हुए, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए थे। पीड़ित का कहना था कि उसके पिछले साल भी यहां चोरी हो गई थी। वहीं एजेंसी के मुंशी लवली महाजन ने बताया कि सुबह उसको चौकीदार का फ़ोन आया तो उसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है, तो वे वहां पहुंचे और चौकीदार को बाहर निकाला और गोदाम में देखा तो ताले टूटे पड़े थे और गले में पड़ी नकदी गायब थी। वहीं इस चोरी की वारदात की छानबीन कर रहे पुलिस अधिकारी शिव कुमार ने बताया कि चोरी की वारदात की इत्तला मिली थी और मौके पर जाकर चोरी की घटना को अंजाम देने की CCTV फुटेज भी मिल गई है और गैस एजेंसी के पीड़ित मालिक के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। साडा गोदाम है पिंड मड़ियावाल गैस का, उत्थे राती हुई है चोरी। दो चोर आए ने जिहड़े अंदर एंटर किया, उन्होंने मूँह बन्ने हुए सी जिहड़े CCTV कैमरियां च आए ने, तो उन्होंने आके दरवाजियां दे 3 मेन ताले तोड़े है, 1 अलमारी तोड़ी है, बाकी 3 दरवाजियां दे ताले तोड़े है। तो उत्थे कैश पिया दा ही वो 4,71,000 वो लैके फरार हो गए ने। मौके दे राती चौंकीदार सी ठाकुर मंडल, राती 2 बजे चोरी हुई है जी। तो राती उन्होंने जदों आने आई उहदा कमरे उन्होंने डक दिता अंदर, उन्हां कोल संभलां सी जिन्हां नाल उन्होंने ताले तोड़े ने। 7:45 बजे मैनूं फोन आया मेरे बंदे चौकीदार दा कि मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद है, तो मैंने बोला कि गुआंढी को जा उठा 2 मिनट जां फोन कर उसको। फोन किया उन्हें तो कहते घर नहीं है जब कुछ किया। मैं फिर अपने नज़दीकी मेरा जो बंदा है उन्होंने काम करता सी, उन्होंने मैं जाकर देखो कहना बाहर का गेट तो लगा था, तो मैं किस तरह कुछ जावा, मैं तो गेट ना टप्पी जिन तक मैं नहीं आंदा है। जिस दिन मैं आ गया 10 मिनट तक मैं आ गया, 7 बजे तकरीबन नाल ही आ गया, मोटरसाइकिल आ गया। जो देखा और गेट पान लगा तो उन्हें कहा बगी का कमरा खुलया था, तेरा भी कमरा खुलया था वा, जिस कमरे च मैं कैश रखता विचकारले कमरे का, तो उहदा स्टोर का भी स्टोर च कैश रखी था ही तिजोरी च पा के, तो तिजोरी जी विचकारले कमरे बाहर विचकार करके कैश सारा करके तो लैके दे। ये करीब 4,71,000 रुपया है। ठीक है, तोड़ भन कुछ नहीं की, बस ताले तोड़े तेरे 3 ताले तोड़े आ, तो 1 अलमारी की तोड़ भन की। वह 2 बंदे CCTV कैमरे आए, 2 बंदे सी, एक हाथ राड़ जी फड़ी दी जो कैद हुई दी है। मूँह तो उन्होंने एक तो रुमाल जो बन्ने लोही ले दी ही। पुलिस मौके पर आ गई सी, मेरा जो 10 मिनट बाद नाल ही पुलिस 10 या 15 मिनट तक आ गई सी, पुलिस आ गई सी, उन्होंने कार्रवाई की सारी देरी शाम तक। पुलिस ने इनफॉर्मेशन मिली, अभी मौके पर गए, देखा कि 2 व्यक्ति जिन्होंने अपना मूँह ढकया हुआ है, तो वह कान टप के अंदर CCTV कैमरे में आ गए। बंदे ये कहने मुताबिक वह 4,71,000 जो गोदाम में पिया है ताले तोड़ के नामुलम व्यक्ति लग गए। ये नहीं कोई पता लगता, लेकिन जो CCTV कैमरे में आए वो इंटर कंध टप के इंटर होंगे वह सब दिखाई देती है। फिलहाल जो सारा रिकॉर्ड लैन रहे उन्होंने को, तो जो भी होगा नैक्सट वो दस। ये मुकदमा नंबर दर्ज होया अंडर सैक्शन 457, 342 ते 380।
थाना सिविल लाइन मुकदमा दर्ज हुआ। जांच सारी चल रही है, जल्दी जल्दी इन्हों गिरफ्तार किया जाएगा।